वेलकम डियर यर स्टूडेंट्स दिस इज अ पार्ट सिक्स ऑफ चैप्टर सिक्स नेचुरल वेजिटेशन इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द थॉर्नी बसेज सो दीज आर फाउंड इन द दीज थॉर्नी बसेज आर फाउंड इन द ड्राई डिजर्ट्स अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें सो दीज आर फाउंड इन द ड्राई डिजर्ट लाइक रीजन्स ट्रॉपिकल डिजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स द वेजिटेशन कवर इज स्केयर हेयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट तो ये जो कटीली झाड़ियाँ हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं थॉर्नी बसेस की जिनकी हम बात कर रहे हैं ये ड्राई डिज़र्ट्स में पाई जाती हैं यानी जो एकदम रेगिस्तान जो है होता है शुष्क रेगिस्तान होता है वहाँ पर पाई जाती हैं एंड देन ट्रॉपिकल डिज़र्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट तो ट्रॉपिकल जो डिज़र्ट है ये कॉन्टिनेंट के वेस्ट जो है वेजिटेशन कवर इज स्कैस हेयर बिकॉज ऑफ इस एंड इज कॉचिंग हीट और ये जो है तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण मतलब बहुत तेज़ गर्मी हो और बहुत कम वर्षा हो उसकी वजह से यहाँ पर वनस्पति की कमी रहती है और ये नॉर्मली रेगिस्तान और जो कॉन्टिनेंट होते हैं उनके वेस्टर्न जो एरिया जो किनारे हैं जो मार्जिन्स हैं उन पर पाए जाते हैं आइडेंटिफाई द डिज़र्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड मैप कैन यू नेम द ग्रेट डिज़र्ट ऑफ इंडिया नेम समन एनिमल्स ऑफ द डिजर्ट विच यू हैव लर्न अर्लियर तो इंडिया के डिज़र्ट के बारे में आपको पता ही है कि अगर अब वर्ल्ड की बात करें तो सहारा जो है जो रेगिस्तान है जो सहारा डिज़र्ट है वो सबसे बड़ा डिज़र्ट है और अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में अगर डिज़र्ट की बात करें तो थार जो है जो डिज़र्ट है वो इंडिया में सबसे बड़ा जो है वो डिज़र्ट है सो आइडेंटिफाई द डिजर्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड मैपर्ल्ड मैप में इसको देखें तो आप आ जाएंगे और साथ में आपको मैंशन करना है देर आर सम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इन डेजर्ट एरिया इफ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड द ग्रोथ ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हेयर ओनली मोसेस लीचेस एंड आर वेरी स्मॉल स्टप्स आर फाउंड हेयर अगर आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे अगर आप पोलर एरियाज़ में जाएंगे पोलर रीजन में अगर आप जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो एरिया है बहुत ठंडा होता है पोलर रीजन जो है बहुत ठंडे होते हैं और वहाँ पर केवल छोटे छोटे से लाइकेन हैं या जो है जो और आप कह लीजिए काई है है ना या छोटी छोटी सी झाड़ियाँ जो है वो पाई जाती हैं इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन इनको क्या कहते हैं टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन तो टुंड्रा प्रकार की जो है ये वेजिटेशन कहलाती है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहलाती है दिस वेजिटेशन दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका द एनिमल हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन अपने आप को बचाने के लिए जो जानवर होते हैं उनके ऊपर जो है वो फर लगा हुआ होता है मोटा और उनकी खाल बहुत मोटी होती है जिससे कि वो अपने आप को उस ठंडक से बचा सकें सील वॉलरस मस्क ऑक्सन आर्कटिक ओल पोल, पोलरबियर एंड स्नो फॉक्सेस आर सम एनिमल्स फाउंड हेयर तो ये जो है सील वॉलस कस्तूरी बैल ध्रुवीय उल्लू ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी ये जो है कुछ जानवर हैं जो थार्निविसेज में पाए जाते हैं सो so, एक आप ये भी देख सकते हैं डू यू नो द ग्रास लैंड आर नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट रीजन ये भी आप याद रखेंगे सो so, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड जो हैं अगर ईस्ट अफ्रीका की बात करें तो सवन्ना नाम से जाना जाता है ब्राज़ील में दिस इज़ नोन एज कम्पोस वेनिजुएला में ये लानोस के नाम से जाना जाता है अगर हम टेम्परेट ग्रॉस लैंड की बात करें तो अर्जेंटीना में जो टेम्परेट ग्रॉस लैंड है वो पम्पास के नाम से जाना जाता है नॉर्थ अमेरिका में ये पेयरीस के नाम से जाना जाता है दक्षिण अफ्रीका में इसको वेल्ड कहते हैं एशिया में इसको स्टेपी कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में इसको डॉन कहते हैं तो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑम द टेम्परेट ग्रॉस लैंड एज वेल एज देश ग्रॉस लैंड एज वेल एज द ट्रॉपिकल ग्रॉस लैंड तो इस तरीके से आपने ये पूरा जो है जो चैप्टर है ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और जब भी आप कहीं जाएँ कहीं पर भी विजिट करने के लिए जाएँ घूमने के लिए जाएँ तो वहाँ की जो विजिटेशन है और वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है उसको आप ज़रूर वह ऑब्ज़र्व करें कि किस तरह की वाइल्ड लाइफ और किस तरह का विजिटेशन वहाँ पर है थैंक यू